दोस्तों ये तिवाड़ी होटल है चंपा उत्तराखंड के अंदर, बेस्ट होटल है, हाइजीनिक होटल है, साफ सुथरा होटल है, मेंटेन होटल है और यहाँ के वर्कर वेल एंड गुड है यार। देखो कस्टमर को पूरा रिस्पेक्ट और सपोर्ट करते हैं और अगर कस्टमर आपको रिस्पेक्ट सम्मान दे रहा ना और सही तरीके से आपको अटेंड कर रहा है, आपको परिवार का मेम्बर समझ रहा ना, तो मेहरबानी करके लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है ना, ऑल इंडिया के लोगों से विनती है। पहले तो होटल मालिकों से सिर्फ मैं एक एडवाइस देना पड़ चाहूँगा कि वो हर उसमें मतलब अपना एक स्लोगन पक्का वहाँ पे लगा ले, वर्करों के लिए भी उनको कुछ सोचना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो उनको तनख्वाह देते हो उतनी ज़्यादा नहीं होती, परिवार को भी दे सके और अपना भी घर बोसर कर सके। तो उसमें आप एक ऐसा स्लोगन लगा सकते हो जो कस्टमर को बुरा लगा कि कहते होटल के वर्करों को, ठीक है, जो आपको खाना खिला रहा है, ठीक है, उसको छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूट करके छोटी टिप देके आप उसको उसकी हौसला अफजाई कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई हमारा कुछ भी फोर्स नहीं है, वो आपके हिसाब से आप दे सकते हो दे, आप राहत ना दे सके तो ना दें, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो कस्टमर जल्दीबाजी में होते हैं ना उनको बेनिफिट ये होता है कि अगर वो टिप चिट वगैरह हर जगह लगी होगी ना तो उससे क्या होगा कि वो पढ़ के अवेयरनेस जरा पॉजिटिव ये पॉजिटिव वीडियो मैसेज है अगर दोस्तों, ठीक है, तो हो सकता है कुछ 100 में से 4 कस्टमर ऐसे निकलेंगे जो कुछ टिप जो है उन वर्कर को देखे जाएगी, तो यह वर्कर का हौसला कैसे बढ़ता है, ठीक है। जो यहाँ खाने खाते आते हैं उनको लोगों को मैं कहता हूँ आप अपने बॉस के अंडर कमान काम करते हो, जब आपका बॉस आपको टाइम पर बोनस देता है सब कुछ देता है तो आप कितने खुश होते हो, क्योंकि आप बॉस पर डिपेंड हो, ठीक है। तो यहाँ के वर्कर यहाँ के ऑनर प्लस आप पे डिपेंड है, ऑनर्स ने 60 मतलब जितने भी 15-20-40 कर्मचारी कर रहे हैं सबके तनख्वाह देनी है, उसके बाद उसने पूरा मेंटेन वगैरह काफ़ी खर्चा आता है, उसके हिसाब से वो अपनी तनख्वाह को डिसाइड करते हैं, उनका भी इसमें कोई गलती वगैरह नहीं है क्योंकि एक पूरे टीम मैनेजमेंट को साथ लेकर चलना है। लेकिन अगर आप भी इन वर्करों की हौसला अफजाई करोगे ना, जो वर्कर जो आपको, क्योंकि ये लोग वो है जिनको आप छोटे कहकर बुलाते ना, होटलों में घर के बड़े होते हैं, पूरे घर की जिम्मेवारी इनके पास होती है। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के विनती है ना, मेहरबानी करके आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, जब भी आप किसी होटल में जाएगा कहीं भी छोटे मोटे ट्रिप में जाएँ तो कम से कम यार उस बच्चे को जो आपके साथ मतलब इतना सही तरीके से आपको अटेंड कर रहा है एक परिवार के मेम्बर की तरफ, तो यार उसको टिप देना तो बनता है। वो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका व्यवहार आपके प्रति गलत है, तो उसकी बात ही कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यार कस्टमर को हमको जो है उस लड़के ने उस बंदे ने वो छोटे ने सही तरीके से अटेंड किया है तो उसकी टिप बनती है यार, ठीक है, दे दिया करो, हौसला अफजाई होती है, अमाउंट बड़ा या छोटा नहीं होता, वो खुश हो जाएगा कि यार चलो मैंने सही तरीके से इनको जो खाना खिलाया या कुछ भी चाय पानी दी है जिसकी वजह से मेरे को इनका इन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया, और उनका छोटा मोटा अमाउंट बन जाता है जो ऐसा उनके खर्चे पर काम जाता है, जो मेन अमाउंट मालिक उनको देगा वो उनके घर में परिवार के साथ काम करिए काम आ जाएगा। दोस्तों एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, प्लीज़ मेहरबानी है, रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ये चीज़ इसलिए मनाने लगता हूँ क्योंकि सवाल इस बात का नहीं है, जिसका पैसे नहीं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा 200-300 रुपये का खाना अगर होटल में खाने के लिए आता है, अगर वो एक कॉफ़ी पीने की काबिलियत रखता है तो 10 रुपये देने की उसको काबिलियत पक्का है, तभी वो यहाँ कॉफ़ी पीने आया है, नहीं तो कहीं पर जाके चाय पी लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरा कहने का मतलब है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके, ये क्लिप मैं उत्तराखंड चंपा के तिवारी होटल से बना रहा हूँ और यहाँ का पूर्ण मैनेजमेंट इस तरीके से है ना कि यहाँ पर साफ सफाई बहुत अच्छी पॉजिटिव में है और हाइजीनिक है, और यहाँ पर खाना वर्कर बहुत ही साफ सुथरे, और यहाँ का स्टाफ बहुत ही मिल मिलाप वाला है, और जो यहाँ इनका किचन है ना एक नंबर का किचन है। दोस्तों मैं इनका सपोर्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मुझे अच्छा लगता है मैं उसकी तारीफ करने से नहीं चुकता, ताकि लोग आए यार यहाँ पर अवेयरनेस फैला कि यहाँ पर खाना खाएँ और अपने परिवार को हाइजीनिक तरीके से अपना भोजन खिलवाएँ ताकि कोई बीमार ना हो, ठीक है। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।